पर हजारों की संख्या में भीड़ जुट चुकी है। मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व एमएलए रतन देवासी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। सांचौर व्यापार संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह का देर रात को ट्रांसफर हो चुका है। एएसपी जालौर रामेश्वर लाल सांचौर में मौजूद है। तो ये हजारों की भीड़ अब यहां पर इकट्ठी हुई है, बंद का आह्वान किया गया है। शराब व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एएसपी जालौर रामेश्वर लाल सांचौर में मौजूद हैं। जिला मुख्यालय के ऊपर ये भीड़ जुटी है। सांचौर में एक शराब ठेकेदार की हत्या की गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब हजारों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग गांव से लोग यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यालय पर, सांचौर मुख्यालय पर ये लोग इकट्ठा है। इनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सांचौर की। और जब ये भीड़ लगातार यहां पर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पुलिस जाप्ता भी बढ़ेगा। अब प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन गांव वालों से या इन लोगों के पास कोई बातचीत करने के लिए, समझाइश करने के लिए पहुंचा है। क्या इनकी मांगे हैं ये भी अभी सामने आना बाकी है। और साथ ही साथ जो है वो बाजार पूरी तरीके से बंद किए गए। तमाम जो व्यापारी हैं जो बाजार चलाते हैं उनका समर्थन भी इनको मिला है। और रेवा शंकर फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रेवा शंकर, क्या अपडेट? हजारों की तादाद में लोग जुटने लगे हैं जिला मुख्यालय पर। रेवा, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी। रेवा, हजारों लोग इकट्ठा होने लगे हैं जिला मुख्यालय पर, क्या अपडेट? प्रशासन या पुलिस की तरफ से इनसे बातचीत करने के लिए कोई आगे आया? जो लोग हैं मैं बताना चाहूंगा कि ये एक तरह का आक्रोश का प्रदर्शन है। सांचौर की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है और लंबे समय से जो यहाँ पे क्राइम का ग्राफ है वो रेगुलर बढ़ रहा था, उसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश था। और कल वाली जो ये जो घटना हुई उसको लेकर के लोग काफी नाराज हैं जी। रेवा, लोगों की नाराजगी यहां पर नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसको तफसील से इस घटना को समझा जाए, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, बाजार बंद हो चुके हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, जिला मुख्यालय पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संवाद का रास्ता किसी प्रशासन के कोई अधिकारी के जरिए चुना गया होगा, वो पहुंचे होंगे। क्या इनकी मांगे, इन्होंने मांगे बताई अपनी आपको? जी, मैं सर ये बताना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान में वहां पे मंत्री सुखराम बिश्नोई वहां पे उपस्थित हैं, पूर्व विधायक रतन देवासी भी वहां पे उपस्थित हैं और कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो वहां पे उपस्थित हैं। लेकिन एक बात पे सहमत है कि यहाँ पे सांचौर में लोगों में विश्वास बहाली होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों को ये लगना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित व्यवस्था में हैं। ये विषय जो है वो मंत्री सुखराम बिश्नोई के माध्यम से भी बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है वो किसी भी प्रकार से प्रशासन से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोग जो है वहां पे एक प्रकार से अपने आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए वहां पे जुट रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल शांति बनी हुई है, किसी भी प्रकार से कोई हिंसक या फिर इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। और मार्केट जो है वो व्यापारिक संगठनों के आह्वान के कारण बंद है चूंकि जी। रेवा, पुलिस जाप्ता लगाया गया बढ़ती हुई भीड़ को देखकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है, अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल जी मई जाप्ता मौजूद हैं। आसपास के जिलों से भी जाप्ते को बुलाया जा रहा है, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था है उसको लेकर के पुलिस काफी संजीदा है और निरंतर इस पे वॉच कर रही है। कुछ संदिग्धों के नाम जो है वो पुलिस ने अपनी वॉच लिस्ट में लिए हैं,
पुलिस के द्वारा टीमें बना करके उसकी हर पहलू से जांच की जा रही है तकनीकी रूप से, और साथ साथ में इसको जो जालौर का जो वहां क्षेत्र का ये तस्करी से संबंधित विषय रहा है उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि शराब व्यवसायी जो है वहां पे गुजरात जो इनके शराब की लाइनें वगैरह चलती हैं या तस्करी का जो काम होता है उससे भी उसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका ये जो एंगल निकल के सामने आ सकता है। रिवाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।